एचसीएस की परीक्षा में टॉप करने वाले चीका के अश्वनी गुप्ता बने एसडीएम। अश्वनी गुप्ता का आज पेवा पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। गुहला चीका के वार्ड नंबर 6 निवासी अश्वनी गुप्ता ने एचसीएस की परीक्षा में टॉप करते हुए एसडीएम का पद प्राप्त कर हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। अश्वनी गुप्ता आज पेवा में अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे, जहां पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। एसडीएम के लिए चयनित हुए अश्वनी गुप्ता शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहे हैं। अश्वनी गुप्ता ने बताया कि सफलता से पूरा परिवार खुश है। उन्होंने कहा कि वह दिन में लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे और उन्होंने कभी भी ट्यूशन नहीं रखी। उन्होंने खुद ही पूरी तैयारी की और यह सफलता हासिल की है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपने जीवन का एक गोल बनाकर उस पर आगे काम करें और उसको पाने के लिए पूरी मेहनत करें। जी अश्विनी, क्या कहेंगे, किस तरह महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा में सबसे टॉप आपने किया? नहीं, ये नेचुरली खुशी का महसूस करते हैं, क्योंकि इस एग्जाम की काफी स्ट्रेसफुल प्रिपरेशन होती है और जब परमात्मा की कृपा से आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो अच्छा महसूस होता है और आप किसी के लिए खुशी का कारण बन सकते हैं। आप लोग भी घर से चल के आए हैं, मेरे सारे यहाँ पर रिश्तेदार आए हैं, तो नेचुरली बड़ा खुशी का माहौल है। तो कितने समय आप जो पढ़ाई करते थे और कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह की महसूस कर रहे हैं? देखो सर, पढ़ाई को क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सिलेबस है एक कॉमन टर्म है, दे कैन आस्क यू एवरीथिंग अंडर द सन। तो मेरे को लगता है क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे भी औसतन आपको पढ़ना पड़ता है 7-8 घंटे रोज। ये आपका पहला प्रयास था या और भी प्रयास? नहीं, ये मेरा पहला एचपीएस में प्रयास था। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो लोग एचसीएस की तैयारी करते हैं, तो क्या कुछ संदेश दे सकते हैं? सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा यूथ है वो फोकस रहे, अपना एक गोल फिक्स करे और उसकी तैयारी करे, क्योंकि 3 स्टेज होते हैं इस एग्जाम के अंदर, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, और हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रिलिमिनरी है वो फैक्ट्स पे फोकस करता है, जो मेंस है दैट इज मोर ऑफ अ नॉलेज कि आप कैसे देखते हैं आसपास चीजों को, और जो इंटरव्यू में दे चेक योर पर्सनैलिटी। सो तीनों पहलुओं पे आप साथ साथ काम करें, अपना एक फोकस बनाए रखें, पेशेंस लूज मत करें, परसिवरेंस से काम करते रहें और रेगुलरली मेडिटेशन करें, क्योंकि ये काफी स्ट्रेस हो जाता है तैयारी करते वक्त। आपको लगता है मेरा होगा नहीं होगा, इतना कॉम्पिटिशन है, लाइफ स्टेक पे लगी होती है, लेकिन अगर आप उस परमात्मा की अनुभूति अपने अंदर करेंगे और आप उसके अपने हार्डवर्क करें, उसको सौंप दें कि परमात्मा मैंने हार्डवर्क कर दिया है, बाकी आप देखें, वो जरूर आपका साथ देंगे। नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, ये मेरा सेल्फ स्टडी ही था। तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? तो सर, इसका पहला श्रेय मैं अपने परमात्मा को दूंगा, जो सूर्य सृष्टि के दाता है, ये उनकी ही मेहरबानी से हुआ है। और दूसरा श्रेय मेरे माता पिता के संघर्ष को, जिन्होंने निरंतर मेरे को मोटिवेट रखा और मेरे को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जो मेरे को तैयारी के लिए चाहिए थी, क्योंकि वर्किंग होने के साथ साथ मैंने ये तैयारी करी है, तो काफी जरूरी हो जाता है कि परिवार आपको सपोर्ट करे। अभी आप क्या क्या करना चाहते हैं सब कुछ बनने के बाद, पोस्ट पे पहुंचने के बाद, तो क्या मन में क्या रहता है, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? तो मेरा सर जो फोकस है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे रहेगा, क्योंकि दो मूलभूत सुविधाएं होती हैं किसी भी समाज के लिए। अगर हम इस पे डेवलपमेंट कर पाते हैं तो बाकी चीजें विल फॉल इन प्लेस। सो वंस आई एम इन द सर्विस इन द फील्ड, सो आई वुड फोकस ऑन, माय फोकस वुड बी ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। इसके बाद भी क्या कोई करियर करेंगे? सर, ऐसा इंसान हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ वो तैयारी में लगा रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसका उसका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, उसको मोटिवेशन मिलती है। तो दे ऑलवेज ऑप्शन ओपन टू गो अहेड इन लाइफ। आपके बेटे ने हरियाणा में अच्छे सुबह टॉप किया है, क्या कहेंगे? देखिए कि जब बच्चा कोई इतनी उपलब्धि को हासिल करता है, पेरेंट्स को तो खुशी होती ही होती है, पर बट जो मीडिया के माध्यम से ये मैसेज हरियाणा में या गुला चीका में या पेहवा में फैलेगा, तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टडी के विषय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे इस एचसीएस में यूपीएससी में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों को एक उत्साह होता है और पेरेंट्स को उत्साह आएगा, और इस उत्साह को देखकर मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चे भी इस पढ़ाई को पूरा कर करके और पूरी लगन के साथ स्टडी करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश करें। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद साथ में है, पेरेंट्स का आशीर्वाद साथ में हो और लगन से, सच्ची लगन से इसको पढ़ाई को करें। तो मैं तो यही कहूंगा कि अकेला अश्विनी गुप्ता नहीं, बहुत सारे हरियाणा से अच्छे बन के वो निकले।
स्टडी। तो थोड़ा सा इनके जान के बचपन में कैसे थे, क्या इनका एम था, थोड़ा सा बताइए। बचपन में ये थोड़े से नटखट थे, और होता क्या था कि जब ये मामा जी के घर पे इनका पिहवा में आना होता था और वहां जाकर के आना होता था, एक छोटी सी बात है लेकिन वो हमारी पर्सनल लाइफ की ही बात है, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगा जो आपने नटखट की बात पूछी मुझसे। एक बार हुआ क्या, इनकी नानी जी थे तो उन्होंने यानी कि मेरी वाइफ को मम्मी को एक इनकी मम्मी को शॉल दे दिया। तो उसने कहा कि नानी जी इनको क्यों दिया, तो कहते कि मेरी बेटी तो दी है, कहते मेरे मेरे बाबा जी तो उनकी लोई कौन देगा। तो उन्होंने इस तरीके से मांग करके उस लोई को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब एक खुले दिल के बोल सकते हैं कि मतलब बोल देना जो कुछ बोल देना, ऐसी बातें करते जैसे कोई बड़ी बड़े एज के लोग बातें करते हैं। तो ये कौन से स्कूल से पढ़े हैं जी? इन्होंने जो 10th क्लास है जो हमारे स्कूल करम सिंह रेवाल है वहां से की है। उसके बाद हमें किसी कारणवश हिमाचल प्रदेश जाना पड़ा, लक्ष्य यही था कि इस बच्चे को स्टडी करवानी है, तो प्लस वन प्लस टू इन्होंने आइसर स्कूल परवानों से की है। उसके बाद फिर इन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिला, तो वहाँ पे एडमिशन हुआ तो उन्होंने वहाँ पे टॉप किया। तो अपने उस टाइम 2018 में रामनाथ गोविंद जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने दिल्ली की यूनिवर्सिटी में 32 कॉलेज में टॉप किया था। उसके बाद एग्जाम निकाल के ये पंजाब नेशनल बैंक में बतौर मैनेजर प्रेजेंट अभी परमाणु हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्त कर रहे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा को मैं ये संदेश दूंगा कि पेरेंट्स का वो सपना वो साकार पूरा करें। जो भी ये वीडियो माध्यम से बच्चे देख रहे हैं वो अपने आप को जोश में लेकर के आए और स्टडी का पूरा ध्यान दें, नशे और ये मूवीज देखना या कुछ और भी इन चीजों से दूर रहें। वो कुछ पल के लिए अच्छी लगती है, आप कॉलेज में गए तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुछ कॉलेज से बाहर लेकर के आना है। ऐसा नहीं कि आप नशे की लत में हैं या पार्टियों की लत में हैं, वो ठीक है कि एंजॉय भी लाइफ में जरूरी है, पर बट जब आप सक्सेस होते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली आपको एंजॉय दे देती है। हाँ जी, क्या कहेंगे आपके ब्रदर हरियाणा का टॉप किया शेष का कहेंगे? जी बहुत बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी एंड ही डिड सक्सीड इन दैट एंड सो वी आर वेरी हैप्पी। अभी तो हाँ जी हाँ जी, अभी मेरा LLB का कॉलेज का ईयर चल रहा है और मेरा प्लान है जुडिशरी का एग्जाम देने का, तो लकीली आई विल बी अपीयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम। आप भी कहीं पे कोचिंग करा? नहीं नहीं, सेल्फ स्टडी। हाँ जी, बहुत कैसा लग रहा आपका भाई एसडीएम बन गया? बहुत बहुत खुशी हो रही है, मतलब उन्होंने जो मेहनत करी है वो फाइनली रिजल्ट किया एंड वी आर वेरी हैप्पी।